नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। जैसा आप मेरे साथ आपको देख रहे हो, वोल्टास डीप फ्रीजर है गाइस। ये इंडिया नंबर वन प्रोडक्ट है। मार्केट में बहुत सारे वेरिएंट के आपको डीप फ्रीजर अवेलेबल है, लेकिन ये 2022 का न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। इसे कन्वर्टेबल डीप फ्रीजर है। इसके अंदर में आप वीसी कूलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक एंड बियर इस तरह काइंड ऑफ बोतल आप रख सकते हैं ठंड करने के लिए। इन डीप फ्रीजर जो होता है बेसिकली वो आइसक्रीम एंड जो चिल चीज़ें रखती हैं जिसके अंदर ख़राब नहीं होना है, वैसी चीज़ों के लिए होती है। इसमें गाइस बहुत सारी वेरियंट आती है। जैसे आपको पता होगा 100 लीटर की इससे स्टार्ट होता है, 100 लीटर, 200 लीटर, 320 एंड 405, 500, 600 एंड 800 मॉडल आती है। बहुत सारी वेरिएंट है, बहुत सारा वैरायटी है गाइस। ये 2022 का न्यू लॉन्चिंग है, न्यू प्रोडक्ट है, बिकॉज पहले इससे जो मॉडल आता था उसमें कन्वर्टेबल मॉडल नहीं होता था, अब कन्वर्टेबल मॉडल है। सो गाइस अनबॉक्स करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज बिफोर अनबॉक्सिंग आपको एक बार बॉक्स दिखा रहे हैं। वोल्टास इंडिया नंबर वन प्रोडक्ट है। सॉर्ट ऑफ आपको मॉडल एंड कॉन्फिगरेशन बता देते हैं सो दैट कि आपको डिटेल रहेगा चीज़ें को। ये गाइज चेस्ट फ्रीजर है 500 लीटर में, वोल्टास CFHT 500 डबल डोर पी कन्वर्टेबल बी PCMC प्रोडक्ट है। ये आपका चेस्ट फ्रीजर इसको बोलते हैं। मॉडल आपको दिख रहा होगा, 500 डबल डोर CN है आपका, 230 वोल्ट से चलना है, 77 विथ कार्टून के, 68 टोटल इसका वेट है। कैपेसिटी 500, 465 लीटर आसपास कंज्यूम कर सकते हैं। जुलाई 2022 का मैन्युफैक्चरिंग है। 46,990 MRP आपको है गाइज। इसके अलावा जो मेजर इसकी जो जानकारी है कि इसके अंदर में जो रिफिल गैस यूज़ होता है वो हाई फ्लेमर होता है, जलने वाली आग लगने वाली गैस होती है, बिकॉज इसको माइनस डिग्री में भी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, R290 रहता है। नॉर्मली जो गैस आपको AC में यूज़ होता है उससे हाई फ्लेमिंग रहता है इसके अंदर, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए इन चीज़ों को, वैसे जगह नहीं रहे जो, क्योंकि इनमें ज़्यादा चिल करने की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइज अनबॉक्स करते हैं, कट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा वोल्टास एक टाटा प्रोडक्ट है। टाटा का नाम आते ही आपको प्रोडक्ट में एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है। जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी सॉलिड होती है, काफ़ी चीज़ें इस पर इस नाम के साथ जुड़ी होती हैं। सो विश्वास वाला प्रोडक्ट होता है, आपको नॉन कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट होता है मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आप उनसे ये बेटर एंड इंडिया नंबर वन प्रोडक्ट है। जैसा आपको कलर दिख रहा होगा ग्रे एंड एवरी कलर वाइट के साथ मिक्स कलर में है, काफ़ी सुंदर निखर के आता है। इनफैक्ट ब्लू कलर में भी आता है। ऊपर दो लॉक दिख रहे होंगे आपको, राइट साइड लेफ्ट साइड का आपको दिखा रहा हूँ, इसके बैक साइड भी दिखा देते हैं आपको डिटेल। ये बैक साइड है, बैक साइड में आपको जस्ट एक साइड में आपको ग्रिलिंग है जहाँ पे पावर प्लग लगानी है, इसके अलावा कोई खास चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ आपको हीट भी बाहर होता है बिकॉज यहाँ मोटर जो कंप्रेशर है इन बिल्ट है, ये प्लग आप यहाँ से लगाएंगे। सॉर्ट ऑफ कॉन्फिगरेशन आपको दिखा हुआ है, क्योंकि ग्राउंड आपको करने के लिए हिदायत देता है। जैसे अर्थ दिख रहा होगा, इसमें अर्थ लगाने से फिर आपको बॉडी में कोई करंट नहीं आएगा, जो मेजरली आइटम है जो आपको समझना है, बिकॉज विदाउट अर्थ अगर लगाते हैं तो आपको हो सकता है, क्योंकि पूरी मेटल बॉडी है, आपको करंट लगने का, शॉक लगने का टेंशन हो सकता है। सो आप जब भी इसको इंस्टॉलेशन करते हैं आपका ग्राउंड प्रॉपर होना चाहिए, न्यूट्रल आपको प्रॉपर चेक करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सेफ्टी बनी रहती है, अदरवाइज इसके अंदर में भींगी रहती है और वैसे कोई करंट पास होने से डेंजर मोमेंट हो सकता है। सो गाइस इसमें दिख रहा होगा R290 है,
5 ग्राम्स आपको गैस रिफिल होता है, करंट 2.8 कंज्यूम करता है, 230 50 हर्ट्ज के आसपास करता है। गाइड कस्टमर केयर नंबर आपको मेंशन है, कोई प्रॉब्लम आने से आप यहाँ कॉल करके अपना सर्विस ले सकते हैं। ये हीट सिंक बाहर निकलने के जो कंप्रेशर, आपको मालूम है ये टेक्नोलॉजी जो होती है कूल करने के लिए, हीट एंड कूल को दोनों गैस के अंदर में, वैसी टेक्नोलॉजी जैसे एसी में आप देखते हैं आउटडोर में गर्म हवा बाहर निकलता है, वैसे ये ग्रिल है, यहाँ से गर्म निकलेगा तो ऐसे कोई पोजीशन पे रखना जहाँ पे ये एयर बाहर हो जाए। इससे आपको अगर शोरूम में डालेंगे तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर आपको गर्म जो हवा है वो शोरूम में आपको गर्म करेगा, तो फिर आपको एसी यूज़ करना पड़ेगा, या ऐसी पोजीशन पे रखेंगे जहाँ पे आपको ग्रिल बाहर हो जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। सो गाइस, यहाँ मेजरली आपको जानना है कन्वर्टेबल है, ये नई 2022 की लॉन्चिंग है इनकी, 22 में ये कन्वर्टेबल, इससे पहले आता था लेकिन जो अभी प्रोडक्ट आती है वो सारी कन्वर्टेबल हो गई है। जो मेजर चेंजिंग है इसमें यही है, आपको कूल मोड में आपको सामने ऊपर दिख रहा होगा नॉब, नीचे अभी डीप फ्रीजर साइज में है, फ्रीजर जिसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा हार्डली आपको बीच में लॉक रहता है, जो पोजिशन आपको सेंट्रलाइज दिख रहा है इसको पकड़ के आप रोटेट करेंगे, हालांकि सिक्के के पोजिशन से भी रोटेट कर सकते हैं। ऊपर कूलिंग मोड है जिसके अंदर में कोल्डिन एंड बियर इस तरह की चीज़ें आप डाल रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं। आप नीचे वाला साइड जो फ्रीजर साइड है, जब आप नीचे साइड में रखेंगे रोटेट करके, ये आइसक्रीम एंड जो डीप काइंड ऑफ प्रोडक्ट में रखना जिसमें आपको ज़्यादा ठंड देनी है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप बर्फ़ के अंदर रखने वाली है, वैसी चीज़ को आप नीचे फ्रीजर साइड में रखेंगे। सो ये कन्वर्टेबल है, आपको दोनों ही जगह काम आता है, आप आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक दोनों यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार, हालांकि एक साथ दोनों नहीं रख सकते, लोग कन्वर्टेबल डीप फ्रीजर के मोड में रख के आप दोनों चीज़ें रख सकते हैं, बट बार बार आपको थोड़ा बर्फ़ जमा होने का टेंशन होगा। ऊपर दोनों लॉक दिख रहा है आपको गाइस, ये दोनों लॉक लगी हुई है साथ में, आप लॉक यूज़ कर पाएंगे, लॉक कर देंगे तो आप एक कंपार्टमेंट नहीं ओपन होगा। सो गाइस एक बार इनसाइड चलते हैं, इनसाइड का आपको डिटेल कर देते हैं। ये डबल डोर है जैसा आपको दिख रहा है, मोटी पविंग की हुई है, इसके अंदर में ऐसी मटेरियल होती है जो ज़्यादा ठंड को ज़्यादा देर होल्ड कर पाएगी, तो काफ़ी मोटी थिकनेस होती है जिसके वजह से आपको लॉन्ग टाइम तक, एक बार अगर आप लाइट कटी हुई है तो 10-12 घंटा भी आप आराम से डीप फ्रीजर को यूज़ कर पाएंगे। ये मेजर पार्ट होता है एक्चुअल में डीप फ्रीजर के अंदर में, जो कितनी देर तक आपको ठंड को कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखता है। इसमें आपको दिख रहा होगा ट्रे दी हुई है, दो ट्रे है, और थिकनेस मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी मोटी थिकनेस, इससे भी मोटी आती है, जैसे आपको जो गाड़ी आइसक्रीम बेचते हैं और साइकिल के ऊपर में, उसकी और मोटी थिकनेस होती है बिकॉज उसको 24 घंटा मेंटेन करना होता है। ये आपको 10-12 घंटा ऑलमोस्ट मेंटेन होता है, अगर फुल लाइट कटी है तो भी आपको मेंटेन होती है अगर ओपन नहीं करते हैं। ये कुछ यूज़र मैनुअल एंड आपको ये जो आप दिख रहा की है जो आपको ऊपर में लॉक करने के लिए दी हुई है, साथ में यहाँ लॉक करेंगे इस पोजिशन से, ये की दोनों दो की दी हुई है, दोनों अलग अलग ताले यूज़ कर सकते हैं आप, बंद कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस ये दिख रहा है, ये कंप्रेशर है नीचे में, इसके नीचे कंप्रेशर, इस साइड में आप यहाँ पे मेटल यूज़ कर पाएंगे अपने रखने के लिए, ट्रे का मूवमेंट आप कर सकते हैं दोनों साइड, अगर आप इस साइड रखना है उस साइड रखना है मूवमेंट कर सकते हैं। मैं इस साइड भी ओपन करके बता दे रहा हूँ, अंदर में पूरी फ्री, ऐसा नहीं बीच में कोई पार्टीशन होता है जैसा दिख रहा है, पूरा यहाँ से वहाँ तक वेकेंट है। सो बड़ी आइटम कोई रखना है, जैसे लोग खाने पीने वाला बड़ी डेक्ची रखना चाहते हैं वो भी कंपार्टमेंट में रख सकते हैं, इतनी बड़ी साइज होती है इसके अंदर में। सो आपको मटेरियल बहुत सॉलिड दिख रहा होगा, आपको काफ़ी ठोस रहता है जब भी आप इसको, लेकिन क्लीन करेंगे गाइस, मैं आपको क्लीनर एक बार निकाल के कैसे यूज़ करते हैं वो बता देंगे। ये नॉर्मली ऐसे क्लीन करना है जब बर्फ़ जमा हो जाता है, नॉर्मली लोग ये मटेरियल ना यूज़ करके कोई हार्ड आइटम से यूज़ कर लेते हैं, जो हार्ड आइटम अगर कट जाता है आपका सरफेस जो इनसाइड दिख रहा है वाइट, वो कट जाने से फिर आपका डीप फ्रीजर में नॉन रिपेयरिंग हो जाता है, बिकॉज के अंदर में चारों तरफ से आपकी कॉइलिंग लगी हुई है, कॉइल की वजह से चिल मेंटेन करता है। सो ये जब भी इस प्रोसेस से यूज़ करेंगे बहुत केयरफुल रहेंगे, कई बार लापरवाह लोग होते हैं जो स्टाफ से यूज़ कराते समय वो हार्ड मार देंगे तो कट जाने की वजह से
आपका डीप फ्रीजर ख़राब हो सकता है, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है जो आपको जानना है कैसे इसको हैंडल करना है, बिकॉज यहाँ डैमेज होने के बाद में डीप फ्रीजर बेकार हो जाता है, बिकॉज कंप्रेसर ख़राब होने से कंप्रेसर चेंज होगा, लेकिन ये पूरा बॉडी में वायर बिछा हुआ है, सो कहाँ लीकेज हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना बड़ा टफ हो जाता है, वो इंजीनियर को फाइंड करना एक तरह से आप समझिए ना ही बनता है, इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो चलते चलते चीज़ें ख़राब हो तो समझ में आता है, अपने आप से स्क्रैच करके ख़राब नहीं होनी चाहिए। सो जब भी आप डीफ्रॉगिंग करेंगे तो आप हमेशा केयरफुल करेंगे। सो गाइज, ये आपको ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, टाटा का प्रोडक्ट है, मार्केट में आपको बहुत सारी वैरायटी आपको प्रोडक्ट आती है, 100 लीटर, 200, 500, 800, बहुत सारी वैरायटी की मशीन मिलेगी आपको, लेकिन इसमें कुछ अलग बात होती है, जो विश्वास एंड क्वालिटी आपको मिलेगी वो दूसरे ब्रांड में नहीं मिलेगी, एंड काफ़ी ज़बरदस्त ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट रहती है, आपको चिलिंग एंड बाकी चीज़ें जो है वो आपको समझना नहीं, सर्विस सपोर्ट इनकी बहुत अच्छी रहती है, टाटा के वजह से आपकी नेटवर्क बहुत बड़ी है सर्विस की, आपको सपोर्ट सर्विस में कभी कोई कष्ट नहीं आती है, आपको साइज़ जो होती है आपको नॉर्मली 100 इतनी बड़ी रहेगी, 200 मोटा मोटी ये हो जाती है, 320 आपको ये साइज हो जाएगी, 405 मोटा मोटी थोड़ा आपको नॉब तक रहेगी। सो आपको डिफरेंट साइज में डिफरेंट कंज्यूम, जैसा आप कंज्यूम करेंगे, आपको घर के लिए जाएंगे तो 100 लीटर 200 लीटर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आप रेस्टोरेंट एंड होटल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको 500 400 320 एंड 600 800 लगता है। सो गाइज, ये साइज आपको नॉर्मली आपको रेस्टोरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सो गाइज, मेरा ये वीडियो आपको बताने का पर्पज़ ये था कि आपको बहुत सारी मार्केट में कन्फ्यूज़न होती है जब डीप फ्रीजर लेते हैं, सो ये शानदार प्रोडक्ट है वोल्टास के वजह से, सपोर्ट सर्विस अच्छी होती है, मेरे वीडियो अच्छा लगे सर गाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको लिंक मैं नीचे दे दिया, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।